चांडियो साहब, वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद साहब ने पहली बार कहा कि बिलावल बच्चा है, उसकी सियासी अकल अभी कम है और दो मरतबा माफ कर चुका हूँ, तीसरी मरतबा माफ नहीं करूंगा। तो शेख रशीद साहब ऐसी बात क्यों करते हैं बिलावल भुट्टो के हवाले से, उनको मसला क्या है? जब आप तो शेख रशीद भी बेहतर दे सकते हैं। बिलावल भुट्टो आने वाला कल है, बिलावल भुट्टो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, बिलावल भुट्टो तुलू हो रहे हैं, ये गुरूब हो रहे हैं। गुरूब होने वाले हमेशा तुलू होने वाले वजूद से खाइफ रहते हैं, लेकिन इनकी गालियां देने से, इनकी बदजबानी से, इनके लबो लहजों की गिरेली जबान इस्तेमाल करने से बिलावल साहब का कद कम नहीं हो जाता, उसकी अहमियत कम नहीं हो जाती। इनका आए जो दिन गुजर रहा है इनके जवाल का हो रहा है, और जो दिन गुजर रहा है वो बिलावल साहब के उरूज और ताकत का, और इंशाल्लाह आप देखेंगे। गालियां देना कोई अच्छी तो नहीं है, इतने साल हो गए शेख साहब को, अब सीनियर हो भी शुमार होते हैं। मेरा ख्याल अभी भी लहजा ठीक नहीं किया तो लोग उनकी अकल पर थोड़ा शक करने लगेंगे कि वो होशवास में भी है या नहीं है। लेकिन मेरा मैं भी क्यों बूढ़ा होने लगा हूँ, ये चिड़चिड़ापन बुढ़ापे में आ जाता है, यही इंसान के जवाल की निशानी है। अच्छा, चांडियो साहब ने तो डायरेक्टली यही कह दिया कि शेख रशीद साहब बूढ़े हो रहे हैं और शेख रशीद साहब को अब समझ में ही नहीं आता कि वो क्या बात कर रहे हैं।